प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बन रही उन केली मार्ग के निर्माण में लगातार अनियमितताओं के मामले सामने आ रहे हैं। अभी इस सड़क निर्माण को कुछ ही हफ्ते बमुश्किल गुजरे हैं और सड़क का डामर उखड़ने लगा है। नवनिर्मित उन पनवाड़ा केली मार्ग इन दिनों अपनी अनियमितताओं को लेकर सुर्खियों में है। इसके निर्माण में ग्रामीण सड़क निर्माण विभाग के आला अफसरों की लापरवाहियां अब साफ साफ नजर आने लगी है। इस सड़क पर उनके समीप वास्कलापुरा पनवाड़ा में सड़क को निर्मित हुए अभी एक महीना ठीक से नहीं गुजरा है कि सड़क से डामर उखड़ने लगा है एवं सड़क पर हो रहे गड्ढों के कारण पानी का जमाव नवनिर्मित सड़क पर होने लगा है। यहां के लोगों का कहना है कि इस स्थान पर सड़क विभाग ने ठीक से बेसमेंट तैयार नहीं किया है और पुराने रपटे पर सीधे डामर की पतली परत डालकर अपने कार्य से इतिश्री कर ली गई है और गड्ढों के कारण मुसाफिर अब गिरकर चोटिल होने लगे हैं। उनसे दिनेश दसौंधी की रिपोर्ट। उनसे पनवाड़ा के लिए सांगवी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो बन रही है इसमें कई तरह की अनियमितता सामने आ रही है। हम मौजूद हैं पनवाड़ा के वास्कलापुरा में और यहाँ देखिए एक पुल के ऊपर पूरे तरीके से डामर उखड़ रहा है, पानी भर गया है और पूरे तरीके से रोड उखड़ चुकी है। देखिए ये एकदम पूरा निर्माण हम कह सकते हैं कि केवल निर्माण के नाम पे केवल थोड़ा सा डामर डाल के काम ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ के रहवासियों ने भी इस बात की शिकायत की है और वो चाहते हैं कि यहाँ इसका वापस निर्माण किया जाए। क्या नाम है लिखा? हाँ, क्या चाहते हो आपकी, क्या होना चाहिए इसमें? जरा सही होना मच्छर रहे। अच्छा, सही कब बना था ये? एक महीना हो गया। एक महीने पहले बना था और एक महीने में ये हालात हो गए? एक महीना में ये हालात आई है। तो इससे कभी दुर्घटना वगैरह कुछ हुई? हाँ यार, दो तीन मोटरसाइकिल वाला पड़ी भी गया। अच्छा, दो तीन जन पड़े? हाँ, दो तीन जन ना। वो कहे एक दिन मोटर आई तो पानी भर लो तो गड्ढा में, वो ध्यान नहीं रखे ना, गत दस से कुदार दे दी, मोटर भी कूद गई। आदिवासी इलाके का ये गांव ऊन से जुड़ा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी लोगों का यहाँ ज़्यादा रहना है और भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट भी अब होने लगे हैं। एक और हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ नेटवर्क, ये एक महीने पहले बना है तो ये जैसे उखड़ रहा है, तो आपने कभी किसी को बोला, किसी अधिकारी ने आए यहाँ के जाँच की कि नहीं की? नहीं, कही कोई भी अधिकारी अभी तक आया नहीं है? नहीं आया। अच्छा, ग्रामीणों का ये कहना है कि यहाँ पे अभी तक कोई अधिकारी देखने के लिए नहीं आया है, जबकि अधिकारी लोग विजिट पर आते हैं हर सप्ताह। साइट इंजीनियर, इंचार्ज, सहायक प्रबंधक, रोड विभाग के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं आते रहते हैं। हम ये कहें कि इसमें ठेकेदार को ज़्यादा जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए। प्रशासनिक तौर पर जो अधिकारी जिम्मेदार है वो सबसे बड़ा जिम्मेदार, प्रशासनिक तौर पर जिसकी जिम्मेदारी होती है वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है और उसी की जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले को पूरे तरीके से देखा जाए। लेकिन उन्होंने कभी देखने की तोहमत तक नहीं की है और ये हालात अब कभी एक महीने के अंदर इस तरह के हालात हो गए हैं। क्या चौराहे पे है कब उखड़ गया? हाँ, इनका कहना है कि ये मेन चौराहा है इस गांव का और मेन चौराहे के ऊपर ये हालात है, तो गांव और आगे क्या हालात होंगे ये तो देखने की बात होगी। ये देखिए आप इस गड्ढे के अंदर इंसान तो गिरे लेकिन बकरी भी पानी पी रही है और आप इन ग्रामीणों की मांग है कि इसकी जांच करते हुए इसको पुनर्निर्माण किया जाए। SW24 मध्य प्रदेश के लिए उनसे दिनेश दसौंधी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।